चलो 18 साल की जो टेंशन थी मुझे वो खत्म हो गया है फाइनली। मुझे कोई सिंबल नहीं मिला। रिंकी क्या तुम्हें कोई सिंबल मिला है? तुमने चेक किया? नहीं मम्मी, मुझे कोई सिंबल नहीं मिला। चलो ठीक है। वैसे मम्मी, इस सिंबल का मतलब क्या और सारे लोग इसके पीछे इतने पागल क्यों हैं? अरे नहीं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। और तुम जानकर क्या करोगी? और वैसे भी तुम्हें स्कूल के लिए लेट हो रहा, तो जल्दी से जाओ, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारी बहन को जगाती हूँ तब तक। ठीक है। गुड मॉर्निंग रिया, आज तो काफी ज्यादा ठंड है। वैसे वो वहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ क्यों और सारी लड़कियाँ वहाँ पे इकट्ठा क्यों हैं? रिंकी तुम्हें नहीं पता आज टाउन की किसी एक लड़की को स्टार का सिंबल मिलेगा और हमें नहीं पता कि वो कौन है। इस सिंबल का मतलब क्या है? मतलब सारे लोग उसके पीछे पागल हो बैठे हैं। एक्चुअली जो रॉयल फैमिली है ना, उसमें सबके पास स्टार सिंबल है, और जो किंग और क्वीन है उनका जो बेटा है प्रिंस, उसके पास भी स्टार सिंबल है। तो हमारे टाउन की जिस भी लड़की के पास स्टार सिंबल मिलेगा उसकी शादी वो प्रिंस से करवाएंगे, यानी वो होगी इस टाउन की प्रिंसेस। सच में मुझे तो उसके बारे में पता ही नहीं था, मैंने मम्मी से भी पूछा तो उन्होंने मुझे नहीं बताया। अच्छा, लेकिन तुम्हारी मम्मी को तो इसके बारे में पता ही होगा। और देखो वो सारी लड़कियां कितनी पागल हो रही है, सबको लग रहा है कि वो प्रिंसेस बनने के लायक है लेकिन वो तो विच बनने के लायक है। अच्छा चलो क्लास में चलते हैं वरना हम लेट हो जाएंगे। हाँ चलो चलते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। लड़कियों, क्या तुम सबने चेक कर लिया कि तुम लोगों के पास कोई सिंबल नहीं है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। वो एक्चुअली मैम, मैंने चेक किया था लेकिन मैं एक बार और चेक करना चाहती हूँ, क्या पता मैं ही प्रिंसेस हूँ। ओह कम ऑन सानिया, बार बार चेक करने से तुम्हारे पास सिंबल नहीं आ जाएगा। अरे नहीं सानिया, तुम गलत तरीके से अपना सिंबल चेक कर रही हो। फेस पे नहीं, अपने लेफ्ट नेक के पास देखो। ओह सॉरी मैम, मुझे लगा फेस पे सिंबल आएगा। ओह नहीं, मेरे पास तो सिंबल नहीं है। अरे नहीं, मैंने भी सानिया की तरह सिर्फ अपने फेस पे सिंबल चेक किया था, मुझे वॉशरूम जाके अपना नेक चेक करना होगा। मैम कैन आई गो वॉशरूम? रिंकी फर्स्ट पीरियड है, तुम्हें वॉशरूम जाना है। एक्चुअली मैम मेरा पेट खराब है। अच्छा अगर ऐसी बात है तो जल्दी जाओ, लेकिन जल्दी आना, ठीक है? ओके मैम। कोई वॉशरूम में है तो नहीं? हाँ, यही सही मौका चेक करने का। अरे नहीं, अरे नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं कैसे प्रिंसेस हो सकती हूँ? मैं तो प्रिंसेस बनने के लायक भी नहीं हूँ। ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, मुझे छिपाना होगा अच्छे से। Yes, come in. रिंकी क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11। हाँ मैं गार्ड बोल रहा हूँ, मुझे आपसे पूछना था क्या आपकी क्लास की सारी लड़कियों ने अपना सिंबल चेक कर लिया? क्योंकि रिपोर्ट के हिसाब से एक लड़की है जिसका हमने सिंबल अभी तक चेक नहीं किया है। ओ तो शायद आप सानिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि बाकी लड़कियों ने तो अपना अपना सिंबल चेक कर लिया है। उसने अभी अभी किया और उसको सिंबल नहीं मिला है। ओ अगर ऐसी बात है तो ठीक है, और परेशानी के लिए हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। अरे नहीं नहीं, आप लोग माफी मत मांगिए, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं, आप पढ़ाना कंटिन्यू करिए। थैंक गॉड मैं बच गई। अरे ये गार्ड अभी तक यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये अभी तक गए नहीं? अरे नहीं, ये अभी तक यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अरे मुझे क्यों घूर रहे हैं? रिंकी चलो चल के पूछते हैं, शायद वो तुम्हें पसंद करते हैं। नहीं रिया, चुपचाप सर नीचे करके सीधा चलो। अरे क्या पता वो तुम्हें प्रिंसेस बनाना चाहते हो, और तुम इनसे इतना डर क्यों रही हो? तुम्हें बाद में बताऊंगी, अभी चुप रहो। एक मिनट हमारी बात तो सुनो। अरे नहीं, ये मुझे क्यों बुला रहे हैं? जी बोलिए। लड़की तुम्हारे जूते का लेस खुला, उसको बांध लो वरना तुम गिर जाओगी। ठीक है, थैंक यू अंकल। अच्छा वो उस लड़की को बुला रहे थे, मुझे लगा वो मुझे बुला रहे हैं। रिंकी तुम भी ना। रिंकी अब यहाँ पे कोई नहीं है, अब तो बता तुम उनसे इतना डर क्यों रही हो? ये देखो। हाँ ओ माय गॉड रिंकी, तुम प्रिंसेस हो। मुझे तो पता ही नहीं था, आई मीन मुझे पता था कि तुम ही प्रिंसेस बन सकती हो, मुझे तो यकीन नहीं हो रही मेरी दोस्त प्रिंसेस है। वो मार्क मुझे ही मिला है। तो रिंकी ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम प्रिंसेस हो, तुम सबको बताती क्यों नहीं, तुम छिपा क्यों रही हो? रिया देखो, मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी को भी पता चले कि मैं ही प्रिंसेस हूँ, और तुम्हें तो पता है कि रॉयल फैमिली के इतने सारे रूल्स होते हैं कि ऐसे रहना वैसे रहना, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं प्रिंसेस बनूं। ठीक है रिंकी, मैं समझ सकती हूँ, ये तुम्हारा फैसला, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगी। रिया प्लीज, तुम प्रॉमिस करो कि ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी। रिंकी मैं बचपन से तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस। अब घर चलते, लेट हो रहा है। हाँ चलो। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो सिंबल किसको मिला होगा। मम्मी क्या आपको पता है, मैं अगर प्रिंस की फोटो देख रही थी और वो इतना क्यूट है, काश वो मार्क मुझे मिला होता। अरे मेरी गुड़िया, क्या तुम किसी प्रिंसेस से कम हो? पता नहीं वो कौन सी छुड़ा लोगी जिसको वो सिंबल मिला होगा। है मम्मी मुझे आपको कुछ बताना था। अब रिंकी तुम्हें क्या बताना है? वो मार्क। हाँ वो मार्क मुझे ही मिला है। हाँ, क्या वो मार्क तुम्हें मिला है? तो क्या तुम हम दोनों से छिपाना चाहती थी? तुमने हम दोनों को बताया क्यों नहीं? मैं आप दोनों को बताने वाली थी लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला। अच्छा जब मैंने सुबह सुबह तुमसे पूछा था कि तुम्हें कोई सिंबल मिला तो तुमने बताया क्यों नहीं? मम्मी आप जैसा सोच रही है वैसा नहीं है। दरवाजा खोलो। रात को कौन आया है? हम गार्ड है, दरवाजा खोलो। मम्मी मैं जाकर देखती हूँ। नहीं तुम दरवाजा नहीं खोलोगी, मैं जाकर देखती हूँ क्या है। तुम जाओ अपने रूम में। जी मैं खोल रही हूँ। एक मिनट। जी बोलिए, आप इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम पैलेस में हो रहे इवेंट के इनविटेशन कार्ड देने आए थे। ओ तो क्या आप लोगों को प्रिंसेस मिल गई? नहीं हमें प्रिंसेस नहीं मिली, लेकिन उसी को ढूंढने के लिए ये इवेंट कराया जा रहा, तो प्लीज आप कल आइएगा। हमने सुना है कि आपके घर में दो बेटियां रहती हैं। नहीं ये आपसे किसने बोला, मेरी तो सिर्फ एक ही बेटी है और उसका नाम है जैस्मिन, मैं उसको लेकर जरूर आऊंगी कल। तो ठीक है, आप अपनी बेटी जैस्मिन को लेकर जरूर आइएगा। चलिए गुड नाइट। गुड नाइट, हमें आने में बहुत खुशी होगी।
मम्मी आपने गार्ड से झूठ क्यों बोला कि आपकी सिर्फ एक ही बेटी है? हाँ, तो मैंने झूठ तो नहीं बोला, मेरी सिर्फ एक ही बेटी है, मैंने उनसे वही बोला। क्या? चलो आज मैं तुम्हें सच्चाई बता ही देती हूँ। जो मेरा पति था ना, उसने तुम्हें सड़क से अडॉप्ट किया था। उसको तुम्हारे पर दया आ गई थी कि छोटी सी नन्नी सी बच्ची को यहाँ पर सड़क पे कौन छोड़ के चला गया। उस टाइम जैस्मिन पैदा हुई थी, मैंने उसको मना भी किया कि मैं दो बच्चों को कैसे पालूंगी। और उसको बहुत महान बनना था ना, लेकिन महान बनने का फायदा क्या हुआ, भगवान ने उसको बुला ही लिया ना। वो मुझे और मेरी बेटी को अकेला छोड़ के चला गया। एक बार सोचा भी नहीं कि हम दोनों कैसे रहेंगे, फिर भी मैंने तुम्हें 18 साल तक पाला है, तुम्हें उसका शुक्र मनाना चाहिए। और हाँ, तुम मेरे और मेरी बेटी जैस्मिन के ऊपर एक रहम करना, तुम किसी को बताना कि तुम्हें वो स्टार सिंबल मिला, समझी? और वैसे भी स्टार सिंबल पता नहीं तुम्हें कैसे मिल गया, क्योंकि तुम तो प्रिंसेस बनने के लायक भी नहीं हो, तुम इतनी सुंदर भी नहीं हो मेरी बेटी जितनी। ठीक है मम्मी, आप जैसा बोलेंगी मैं भी वैसा ही करूंगी। और जैस्मिन, तुम्हें कुछ बोलना है? नहीं, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं बोला। वैसे भी मुझे तुमसे नफरत है, जब से मुझे पता चला कि तुम्हारे पास सिंबल है, मुझे तुमसे और नफरत हो गई है, मुझसे दूर ही रहना, समझी? अगले दिन, मेरी प्रिंसेस, क्या तुम आज के लिए रेडी हो? हाँ मम्मी, मैं रेडी हूँ, लेकिन मैं कैसी लग रही हूँ बताइए, मुझे तो बहुत ज्यादा नर्वसनेस हो रही है। बेटा तुम बहुत प्यारी लग रही हो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो हम करना भूल ही गए। एक सेकंड, अपना गला इधर लाओ, मैं तुम्हारे नेक पे ये स्टार सिंबल बना देती हूँ, और ये मार्कर पता है कितना भी छुड़ा लो नहीं छूटने वाला है। अब मैं पैरिस में जाके सबसे बोलूंगी कि मेरी बेटी को स्टार सिंबल मिला और वही है रियल प्रिंसेस। ओह माय गॉड मम्मी, आप तो कमाल की है। वो मम्मी, आज सारी लड़कियां इवेंट के लिए पैरिस में जा रही है, इसीलिए आज स्कूल में छुट्टी है, इसलिए मैं पढ़ाई करने के लिए लाइब्रेरी जा रही हूँ। ठीक है, तुम्हें जहाँ जाना होगा तुम वहाँ जाना। लगता असर हो रहा है दवाई का। मम्मी ये कैसे हुआ, ये तो बेहोश हो गई। जैस्मिन बेटा, मुझे इसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्या पता ये लाइब्रेरी के जा पैलेस में आके सबको अपना मार दिखा दे और बोले कि मैं ही रियल प्रिंसेस हूँ, तब क्या होगा? इसलिए मैंने इसके ब्रेकफास्ट के सूप में बेहोश होने वाली गोलियां मिला दी, अब ये 5 से 6 घंटे आराम से सोएगी। सच में मम्मी, आप तो एकदम कमाल की, आप दुनिया की बेस्ट मम्मी है। इसीलिए बेटा मुझे कम मत समझना। लेकिन मम्मी मुझे फिर भी इसके ऊपर भरोसा नहीं है, क्या पता ये उठ गई, इसीलिए हम इसके हाथ पर बांध देते हैं कि अगर ये उठ भी गई तब भी ना आ सके। अरे वाह बेटा, तुम्हारे बात तो मुझसे भी तेज है, बिना डीएनए रिपोर्ट के भी कोई भी बता सकता है ये हम माँ बेटी हैं, और हमारी हंसी भी मैच करती है। रिंकी, रिंकी, क्यों उठो, रिंकी, उठो, रिंकी, उठो, रिंकी, उठो, रिंकी, क्या हो, क्या हो, क्या हो, मेरा सर। थैंक गॉड रिंकी की तो उठ गए। रिया, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, ये किसने किया? वो सब छोड़ो रिंकी, मैं जल्दी से तुम्हारा हाथ खोलती हूँ। मेरी दोस्त रिंकी, क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे पक्का पता है ये सब तुम्हारे साथ तुम्हारी मम्मी और तुम्हारी बहन ने किया होगा। उन दोनों ने ही किया है। वैसे रिया, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ? मैं भी बाकी लड़कियों की तरह इवेंट एंजॉय करने के लिए पैलेस गई थी, क्योंकि पहले से फर्स्ट टाइम इनविटेशन कार्ड आया था, मुझे देखना था कि वहाँ का इवेंट कैसा होता है। लेकिन जब मैं वहाँ पे गई तो मैंने देखा तुम्हारी माँ सबसे कह रही है कि मेरी बेटी प्रिंसेस है, तो मुझे लगा कि वो तुम्हारी बात कर रही है, लेकिन वो तुम्हारी बात नहीं जैस्मिन की बात कर रही थी। पहले तो मुझे लगा कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम इवेंट में जा रही हो सबको बताने के लिए कि तुम रियल प्रिंसेस हो, क्योंकि तुमने मुझसे बोला था कि तुम्हें प्रिंसेस नहीं बनना है। लेकिन फिर तुम्हारी माँ ने ये बोला कि मेरी सिर्फ एक ही बेटी है जो कि है जैस्मिन, और वही है रियल प्रिंसेस। तब मुझे शक हुआ और मैं फिर भागते भागते तुम्हारे घर पे आई, दरवाजा बंद था तो मैं खिड़की से आई, फिर मैंने देखा अंदर आ गए तो तुम ऐसी हालत में हो। एक माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, वो जैस्मिन को इतना प्यार करती है और तुमसे बिल्कुल नहीं। ऐसा काम सिर्फ सौतेली माँ ही कर सकती है। वो मेरी सौतेली माँ है। क्या रिंकी, जल्दी करो, हमें पहले जाके सबको बताना होगा कि रियल प्रिंसेस तुम हो जैस्मिन। नहीं, नहीं, जल्दी मैं ऐसा नहीं करूंगी। नहीं रिंकी, क्या तुम पागल हो, क्या तुम ये चाहती हो कि सच्चाई के आगे झूठ की जीत हो? और ये जो सिंबल मिलता है वो ऐसे ही नहीं किसी को मिल जाता, उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, जो सबसे ज्यादा डिजर्व करता है उसी को ये मिलता है। और मुझे भी यही लगता है कि तुम प्रिंसेस बनने के लायक हो, हमारे टाउन के लोगों को तुम्हारे जैसे प्रिंसेस की जरूरत है, ना कि जैस्मिन जैसे चुड़ैल प्रिंसेस की जरूरत है। और हाँ, टाउन के साथ साथ प्रिंस को भी तुम्हारी जरूरत है। अभी तो तुम्हें सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन बाद में जब सबको पता चलेगा कि रियल प्रिंसेस तुम थी और तुमने सबसे छुपाया, तो तुम्हें क्या लगता है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? रिंकी, हमें जल्दी से इवेंट में जाना होगा, इससे पहले देर हो जाए, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? हाँ, यस, ये हुई ना बात, चलो हमें जल्दी से चलना होगा। ठीक है। मेरी बेटी ही है इस टाउन की प्रिंसेस, क्योंकि उसके पास है मार्क। नहीं, ये झूठ बोल रही है, असली प्रिंसेस मैं हूँ, ये देखिए मेरा मार्क। हाँ, तुम ही तो बोल रही हो असली प्रिंसेस कौन है, हमें नहीं पता रही है, कैसे हो गया? मम्मी ये यहाँ पे कैसे आ गई? ये झूठ बोल रही है, मेरी बेटी जैस्मिन है प्रिंसेस। नहीं मम्मी, आप झूठ बोल रही है, असली प्रिंसेस मैं हूँ, और ये बात आपको ही बताया। चल हट, तू मेरी बेटी, तूने अपनी शक्ल देखी है, मैं तुझे अपनी बेटी क्यों मानूंगी, बोल। आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? अरे क्यों ना बोलू, तूने अपनी शक्ल देखी है, बड़ी है मेरी बेटी बनने वाली। हाँ सारे लोग सुन लो, मेरी सिर्फ एक ही बेटी और वो है जैस्मिन, और तू है काली बिल्ली जो मेरा रास्ता काटती है। आप लोग यहाँ पे लड़ाई मत करिए, सबको अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। प्रिंस कुछ कहना चाहते हैं, आप लोग प्रिंस को 5 मिनट दीजिए, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे अब इसमें दूध का दूध पानी का पानी करने की क्या जरूरत है, सबको पता है कि मेरी बेटी जैस्मिन ही प्रिंस है, उसका मार्क तो देखिए। मम्मी अब क्या होगा, अब तो हम फंस गए। रिंकी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है, ठीक है? तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सारे लोग शांत रहेंगे, प्रिंस कुछ बोलना चाहते हैं।
सच्चाई का पता लगाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है। ये जो लॉकेट है ये क्वीन का है, मतलब मेरी माँ का। जो भी रियल प्रिंसेस होगी वो जैसे इस लॉकेट को पहनेगी ये लॉकेट चमकने लगेगा। आप सबने सुन लिया ना, तो अब तुम दोनों इस लॉकेट को एक एक करके पहनोगी। तो सबसे पहले जैस्मिन पहनेगी क्योंकि सबसे पहले यही आई थी। हाँ मैं ही लॉकेट जरूर पहनूंगी। लाइए दीजिए। मम्मी क्या मुझे लॉकेट पहनना चाहिए? हाँ बेटा पहनो, तुम जरूर चमकेगा। मैंने पहन तो लिया लेकिन ये लॉकेट चमक नहीं रहा है, शायद ये खराब तो नहीं हो गया। ए लड़की क्या तुम पागल हो, बकवास कर रही हो? अब तुम्हारी बारी है, लो। ठीक है रिंकी तुम्हारी बारी आ गई, ये लॉकेट जरूर चमकेगा, जल्दी से इसे पहनो। अरे तुम देखा, वो लॉकेट चमक रहा है, ये असली प्रिंसेस यही है, असली प्रिंसेस यही है। मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है हमारी नेक्स्ट प्रिंसेस को देखकर। क्या रही है, असली प्रिंसेस यही है। मैंने आपसे बोला था ना कि मेरी दोस्त रिंकी असली प्रिंसेस है। मैं इस रिंकी को कभी भी माफ नहीं करूंगी। मम्मी हमें यहाँ से चलना होगा। हे रुको, तुम दोनों कहीं नहीं जा सकते। मम्मी ये सब आपकी वजह से हुआ है, चुप कर, तू भी कम नहीं है, ज्यादा बोलेगी। तो आज हम आप सबके सामने ये अनाउंसमेंट करते हैं कि हमारी नई प्रिंसेस रिंकी है। सैनिकों बंदी बना लो इन्हें। प्रिंसेस हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं, हमारे गार्ड्स की लापरवाही की वजह से आपको इतना कुछ सहना पड़ा। कोई बात नहीं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।